आपसे कहा जाता है कि सुन्नी शियों के दुश्मन है, शिया सुन्नियों के दुश्मन है, हिंदू मुसलमानों के दुश्मन है। दिग्विजय सिंह जी, आपकी सेवा में मैं अर्ज कर रहा हूँ, और मुसलमान कोई दुश्मन नहीं है किसी का। इस मुल्क के केवल तीन दुश्मन है, पहले है गरीबी, दूसरे है जहालत, तीसरे है करप्शन। जिस दिन इन तीन दुश्मनों को आपने खत्म कर दिया हिंदू मुसलमानों ने मिलकर, उसी दिन ये देश दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाए। मैं आप हमें बताऊँ, ये डराने धमकाने की बात नहीं है, जमाना बदल गया। अब कोई आदमी इस तरह से डराने में आ सकता है, धमकाने में। एक अरबी शायर था बहुत मशहूर, शिया सुन्नियों के दुश्मन नहीं है, सुन्नी शिया के दुश्मन नहीं है, जहालत दोनों के दुश्मन। जब तक आप आलम इस्लाम से जहालत को दूर नहीं करेंगे, इलिटरेसी को दूर नहीं करेंगे, आप जिंदा कौम कहे नहीं जा सकते। इन शैतान यंजुर, अल्लाह नहीं लड़ाता, रसूल नहीं लड़ाते।